नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं भारतीय रेलवे जोन के मुख्यालयों की। दोस्तों, रेलवे की परीक्षाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं रेलवे जोन के मुख्यालय, और यह सभी को कन्फ्यूजन में डालते हैं। दोस्तों, आज आपका सब पूरे का पूरा कन्फ्यूज दूर हो जाएगा और आपको पूरे भारत देश के संपूर्ण रेलवे जोन के मुख्यालय आपको उंगलियों में याद हो जाएंगे, यानी कि आप कभी भी नहीं भूल सकते। मैं ऐसे आपको रेलवे जोन याद कराऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दिशाओं की, बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह दिशा कौन कौन सी हो जाएगी? दोस्तों, यह दिशा हो जाएगी उत्तर, और ये दिशा हो जाएगी दोस्तों दक्षिण। इसके बाद यह दिशा हो जाएगी दोस्तों पूर्व, और यह हो जाएगी पश्चिम। पश्चिम होने का चार दिशा आपके सामने है। आप दिशाओं के माध्यम से आप आसानी से रेलवे जोन के मुख्यालय याद कर सकते हैं। तो बताता हूं मैं कैसे आपको याद करना है। दोस्तों, भारत के चार महानगर कौन कौन से हैं वो आपको याद तो होंगे ही, कि उत्तर में है, उत्तर दिशा में है दिल्ली, और पश्चिम दिशा में है दोस्तों बम्बई, दक्षिण दिशा में है चेन्नई, और पूर्व दिशा में है दोस्तों कोलकाता। देश के चार महानगर हैं। तो दोस्तों, देखते हैं यह महानगर भी रेलवे जोन याद कराएं बहुत ही ज्यादा मदद करें, क्योंकि यही तो मुख्यालय है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर दिशा की। दोस्तों, दिल्ली, दोस्तों यह उत्तर दिशा है, तो यहाँ पर रेलवे जोन कौन सा होगा? उत्तर रेलवे जोन हो जाएगा। उत्तर दिशा है दोस्तों, उत्तर रेलवे जोन हो जाएगा, तो इसका उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली। यहाँ पर पूर्व है, तो यह हो जाएगा पूर्व रेलवे जोन, तो पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों कोलकाता। यहाँ पर है दक्षिण, तो यह हो जाएगा दक्षिण रेलवे जोन, दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई। यहाँ पर है पश्चिम, तो यह हो जाएगा दोस्तों पश्चिम रेलवे जोन, और पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है दोस्तों बम्बई, दक्षिण का चेन्नई, उत्तर का दिल्ली, पूर्व का रेलवे का कोलकाता, और पश्चिम रेलवे का बम्बई। और आगे बात करते हैं अब दोस्तों दिशाओं की, बात करें सबसे पहले यह दिशा कौन कौन सी कहलाएंगी? ये एक दो तीन चार, ये चारों दिशा है, तो यह कौन कौन सी कहलाएगी? दोस्तों, यह दिशा हो जाएगी मध्य, यानी कोई दिशा नहीं, इसको बोलते हैं मध्य। दोस्तों, इस दिशा की बात करते हैं। दोस्तों, यह दिशा कौन सी है? पूर्व में है, तो यह हो जाएगी पूर्व मध्य। यह दोस्तों पूर्व मध्य हो जाएगी, तो यह हो जाए, यहाँ पर है पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे जोन। दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय आप देखेंगे तो पूर्व मध्य में कौन सा शहर पड़ता है जो कि ज्यादा फेमस है? तो दोस्तों, यहाँ पर पड़ेगा हाजीपुर बिहार। दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा हाजीपुर। इसकी बात करते हैं इस वाले पॉइंट की, तो यह पॉइंट है दोस्तों दक्षिण में, तो यह हो जाएगा दक्षिण मध्य, तो यहाँ पर दक्षिण, यह हो जाएगा दक्षिण मध्य हो जाएगा दोस्तों, यह दक्षिण मध्य हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे जोन। दोस्तों, दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा सिकंदराबाद, यह सिकंदराबाद हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इस पॉइंट की, तो यह पॉइंट है पश्चिम में, तो यह हो जाएगा पश्चिम मध्य, या दोस्तों पश्चिम मध्य हो जाएगा, तो यही हो जाएगा पश्चिम मध्य रेलवे। दोस्तों, यहाँ पश्चिम मध्य रेलवे होगा, तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है जबलपुर। इसके बाद अगला है, तो यह पॉइंट अगला पॉइंट है, तो दोस्तों यह पॉइंट कौन सा है? उत्तर दिशा में है, तो यह हो जाएगा उत्तर मध्य होने का दोस्तों यहीं पर है उत्तर मध्य रेलवे जोन। दोस्तों, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा इलाहाबाद हो जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं कितनी जोन हो गई। पहली जोन है यहाँ पर उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय है दिल्ली, फिर है दोस्तों दूसरी पश्चिम, तो पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय बम्बई, तीसरी है दक्षिण
रेलवे जोन। दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय है चेन्नई। यहाँ पर है दोस्तों पूर्व रेलवे जोन, तो पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय है कोलकाता। इसके बाद बात करें थे दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे की, तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है जबलपुर। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद। दोस्तों यह चार रेलवे जोन हो चुके हैं जो आपको याद हो जाएंगे, और बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे आपको, या देखते ही देखते संपूर्ण रेलवे जोन याद हो जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं और बाकी के भी देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इस पॉइंटों की, यह दिशा, यह पॉइंट और यह पॉइंट। दोस्तों यहाँ पॉइंट की बात करें तो यह चार पॉइंट जे बनते हैं यहाँ पर। तो यह दिशा कौन सी कहलाएगी, आप ही सोच सकते हैं कौन सी कहलाएगी। तो यह दिशा कहलाएगी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन। तो यह दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य अच्छा विकसित है और वहां का शहर, तो दोस्तों यहाँ का शहर है हुबली। यह हुबली शहर है जो कि है कर्नाटका में, यह दोस्तों कर्नाटका में है। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा हुबली। इसके बाद बात करते हैं ए वाला, ए पॉइंट है दक्षिण पूर्व। तो यह हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन दोस्तों। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय है कोलकाता दोस्तों, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय है कोलकाता दोस्तों। कोलकाता दो के मुख्यालय हो गए हैं, एक तो है पूर्व रेलवे जोन का और दूसरा है दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं इसका कोलकाता। इसके बाद बात करते हैं अगले जोन की, यह कौन दिशा है दोस्तों, उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो दोस्तों यह दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व भी बोल सकते हैं या पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों यह हो जाएगी उत्तर पूर्व रेलवे जोन दोस्तों, उत्तर पूर्व रेलवे जोन हो जाएगी या पूर्व उत्तर रेलवे जोन हो जाएगी दोस्तों। तो इसका मुख्यालय यहाँ पर है गोरखपुर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा गोरखपुर। अब बच्चा लास्ट पॉइंट यह है दोस्तों, उत्तर और पश्चिम में है। तो दोस्तों यह कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी, है कि नहीं। तो उत्तर पश्चिम दिशा होगी तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर पश्चिम रेलवे। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, जो कि राजस्थान में है। अब देखते हैं दोस्तों कितनी राजधानी, कितने मुख्यालय और हो चुके हैं। तो दोस्तों देखते हैं दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है हुबली, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं 9। अगला है दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता, यहाँ पे डाल देते हैं 10। और यह है उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर, यहाँ पे डाल देते हैं 11। और यहाँ है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन दोस्तों, यहाँ पर डाल देते हैं 12। तो दोस्तों 12 रेलवे जोन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, अब बाकी की 5 रेलवे जोन और बचे हुए हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं 5 रेलवे जोन की, और 5 कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों देखते हैं, एक दोस्तों यहाँ पर है थोड़े ही पास में, ये पॉइंट है, यह पॉइंट कौन सा है, पूर्व और दक्षिण में है। तो दोस्तों यह तो पहले ही हो चुके दक्षिण पूर्व रेलवे, तो ये तो हो नहीं सकती। तो अब कौन सी यह दिशा कहलाएगी दोस्तों, यह दिशा कहलाएगी मध्य में है, यह तो ज्यादा लंबी है, तो यह मध्य में हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर मध्य में हो जाएगी। तो यह पॉइंट कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, और यह मध्य में है तो हो जाएगी मध्य, यह दक्षिण पूर्व मध्य। तो यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन हो जाएगी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन हो जाएगी। तो दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है बिलासपुर, इसका मुख्यालय है दोस्तों बिलासपुर।
इसके बाद बात करते हैं आगे दोस्तों इस पॉइंट की। दोस्तों यह पॉइंट कौन सा है? मध्य है। तो दोस्तों मध्य की बात करें तो यह मध्य पॉइंट है। तो दोस्तों यह हो जाएगी मध्य रेलवे जोन। यहाँ पर मध्य है तो यह हो जाएगी दोस्तों मध्य रेलवे जोन। मध्य रेलवे जोन हो जाएगी मध्य रेलवे जोन। तो मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है दोस्तों मुंबई। मध्य रेलवे जोन का दोस्तों है मुंबई। अब बात करते हैं, देख लेते हैं, यह दक्षिण पूर्व रेलवे का बिलासपुर और मध्य रेलवे का है मुंबई। अब काउंट कर लेते हैं दोस्तों, अपनी 12 तो कंप्लीट हो चुकी थी और यह 13वीं है और यह है 14वीं, यानी कि 14 रेलवे जोन तो याद हो गए हैं, आपको याद भी हो गए हैं, यह पूर्ण विश्वास है। दोस्तों यह भी ध्यान रखना है कि कोलकाता, कोलकाता कितने का मुख्यालय हो चुका है? पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय हो चुका है और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी हो चुका है। और इस टाइप पश्चिम में मुंबई भी दो के मुख्यालय हो चुके, मुंबई एक हो चुका है पश्चिम रेलवे जोन का और दूसरा हो चुका है मध्य रेलवे। दोस्तों यहाँ यह पॉइंट हो जाता है, यह हो जाता है चर्च गेट और यह हो जाता है इंडिया गेट या शिवाजी टर्मिनल। यह शिवाजी टर्मिनल, यह हो जाएगा चर्च गेट, या आप चर्च गेट भी लिख सकते हैं, बाकी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आपको याद ही हो जाएंगे। दोस्तों 14 हो चुके। अब बाकी 3 रेलवे जोन और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं 3 रेलवे जोन की। दोस्तों यहाँ पर एक है, यहाँ पर दोस्तों यह है एक यह रेलवे जोन है, तो दोस्तों और एक है यहाँ पर रेलवे जोन, यह रेलवे जोन है दोस्तों, यह दो रेलवे जोन है। तो दोस्तों यह दिशा कौन सी कहलाएगी? दक्षिण पूर्व दिशा है, हाँ दक्षिण पूर्व दिशा है, तो दोस्तों यह तो दक्षिण पूर्व कहलाएगी और यह है उत्तर पूर्व। तो दोस्तों यह उत्तर पूर्व रेलवे के नाम से तो हो नहीं सकती तो किस नाम से हो सकती है वो जान लेते हैं। दोस्तों यह है दक्षिण पूर्व, तो दोस्तों दक्षिण पूर्व है, तो दोस्तों यहाँ पर लगा है क्या? समुद्र लगा हुआ है। दोस्तों समुद्र लगा हुआ है तो यह हो जाएगा तटीय हो जाएगा, यानी तट के किनारे है। तो दोस्तों दक्षिण पूर्व तटीय रेलवे हो जाएगा, दक्षिण पूर्व तटीय रेलवे जोन हो जाएगा। तो दोस्तों दक्षिण पूर्व तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय क्या हो जाएगा? यह कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा में। तो यहाँ पर हो जाएगा भुवनेश्वर, इसका मुख्यालय हो जाएगा भुवनेश्वर। इसके बाद बात करते हैं इस पॉइंट की। तो यह पॉइंट है दोस्तों पूर्व और उत्तर में। तो दोस्तों यह मुख्यालय है यहाँ पर, तो यह मुख्यालय हो जाएगा उत्तर पूर्व सीमांतर रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांतर रेलवे जोन, उत्तर पूर्व सीमांतर रेलवे जोन। तो दोस्तों उत्तर पूर्व सीमांतर रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा मालीगांव गुवाहाटी में है, जो कि गुवाहाटी में है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं, 14 तो हो चुकी थी पहली, अब यह है दोस्तों 15वीं और यह है 16वीं। तो दोस्तों अब बची लास्टवीं। तो दोस्तों लास्ट की बात करें तो 17वीं है दोस्तों मेट्रो रेलवे जोन। दोस्तों मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय है मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय है कोलकाता। अब 17 रेलवे जोन हो गई हैं, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं अगला नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।